तो आपको कितनी नॉन कोडिंग और नॉन प्रोग्रामिंग जॉब प्रोफाइल्स के बारे में पता है? 1, 2, 4, 5। आज मैं आपको पूरी 15 जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये एक नॉन कोडिंग नॉन प्रोग्रामिंग जॉब प्रोफाइल है और इसमें ग्रोथ किसी भी कोडिंग प्रोफाइल के मुकाबले में बराबर है या उससे ज्यादा ही है। और काफी ओपनिंग्स भी निकलती है इंडिया में एज अ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं पसंद है, सीखने में प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आते हैं लॉजिक, तो आपके लिए ये 15 प्रोफाइल, आप इनमें से कोई एक प्रोफाइल चूज करके उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपना अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 पे, जो कि है प्री सेल्स कंसल्टेंट। आईटी प्री सेल्स कंसल्टेंट का काम कंपनी के प्रोडक्ट का प्रपोजल बनाना होता है और क्लाइंट्स या कस्टमर को उसके बारे में डिटेल में समझाना आईटी प्रोफेशनल का काम होता है। तो ये प्रोफाइल सेल्स मार्केटिंग प्लस टेक्निकल है। मतलब आपको टेक्निकल अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपके में सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए, आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। इसमें कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। तो अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, आप आईटी या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो आप इस प्रोफाइल पर जा सकते हैं और ये एक हाईएस्ट जॉब प्रोफाइल है इंडिया की। इस पे बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती है, एवरेज सैलरी 10 लाख पर ईयर है, वही हाईएस्ट सैलरी 37+ लाख पर ईयर इजीली मिल जाती है इंडिया में। नंबर 2, टेक्निकल राइटर। टेक्निकल राइटर्स का काम प्रोडक्ट मैनुअल, हाउ टू गाइड, सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिकल और कंटेंट तैयार करना होता है। तो अगर आपके पास एक्सीलेंट इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है और अच्छा टेक्निकल नॉलेज है तो आप टेक्निकल राइटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हैं। आईटी या इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से है, टेक्निकल डिग्री प्रेफर्ड है। अगर आप नॉन आईटी से हैं तो कोई टेक्निकल डिग्री करके टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हैं। इसमें एवरेज सैलरी आपको 12 लाख पर ईयर और हाईएस्ट सैलरी 32+ लाख पर ईयर इजिली मिल जाती है इंडिया। नंबर 3, लो कोड नो कोड डेवलपर। देखो, लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए बेसिक कोडिंग स्किल्स आनी बहुत जरूरी है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलप और इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन वही नो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए कोडिंग या प्रोग्रामिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री, टेक्निकल डिग्री प्रेफर्ड है, आपने आईटी से या कंप्यूटर साइंस से कोई भी डिग्री कर रखी हो। एवरेज सैलरी 9.5 लाख है और हाईएस्ट सैलरी 35+ लाख पर ईयर इंडिया में मिल जाती है। नंबर 4, बिजनेस एनालिस्ट। आईटी बिजनेस एनालिस्ट का काम बिजनेस की नीड्स को एनालाइज करना होता है। बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट्स और टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट करता है, ये एक ब्रिज होता है इन दोनों के बीच का। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, टेक्निकल डिग्री प्रेफर्ड है, आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में कोई भी डिग्री कर रखी हो, आप या इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच से हो, आप इसमें जा सकते हैं। सैलरी पे आ जाते हैं तो सैलरी एवरेज सैलरी 9 लाख पर ईयर इंडिया में मिल जाती है, वहीं हाईएस्ट सैलरी पे बात करें तो ये 25 लाख प्लस जाती है इंडिया में। नंबर 5, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूजफुल डेटा को निकाल कर उसे बिजनेस डिसीजंस लेने में यूज किया जाता है। इस पे एक पूरा फुल वीडियो है चैनल पर, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी पे आ जाते हैं तो ये 6 लाख पर ईयर होती है इंडिया में, वहीं हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 35+ लाख जाती है इंडिया में पर ईयर। नंबर 6, मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के लिए भी आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। मैनुअल टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी एप्लीकेशन को मैनुअली टेस्ट किया जाता है। इस पे भी काफी सारे वीडियो है मेरे चैनल पर, उसको भी आप जाकर फुल डिटेल देख सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 8 लाख पर ईयर इंडिया में मिल जाती है, ये एवरेज सैलरी है, वहीं अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 3+ लाख में जाती है पर ईयर इंडिया में। नंबर 7, एसएपी फंक्शनल मॉड्यूल्स। एसएपी के काफी सारे ऐसे फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं जिसमें कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे कोई भी कर सकता है। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो। एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 6 लाख पर ईयर मिल जाती है इंडिया में, वहीं अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 35+ लाख में जाती है। नंबर 8, डेटाबेस एडमिन। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो डेटाबेस सीक्वल सर्वर, ओरेकल, माईसीक्वल, आईबीएम DB2 डेटाबेस को मैनेज करने का काम करते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो यानी टेक्निकल डिग्री है तो वो प्रेफर्ड है। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो ये 7.5 लाख रुपए पर ईयर एवरेज सैलरी मिल जाती है इंडिया में और हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 35 लाख प्लस जाती है पर ईयर इंडिया में।
नंबर 9 सेल्सफोर्स एडमिन। सेल्सफोर्स एडमिन का काम मेंटेनिंग डेटा क्वालिटी, एडिंग फील्ड्स, रनिंग बैकअप, रिसेट पासवर्ड्स एटसेट्रा होता है। सेल्सफोर्स एडमिन की भी काफी जॉब्स निकलती हैं फॉर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड इंडिया में। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री कर रखी हो वो प्रेफर्ड है, आप किसी और भी बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इसमें जा सकते हैं। सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 6 लाख पर ईयर है इंडिया, वहीं अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 18+ लाख में जाती है। नंबर 10 VFX डिजाइनर। अब तुमने ब्रह्मास्त्र और एवेंजर्स का VFX तो देखा ही होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या काम होता है एक VFX डिजाइनर का और इसकी कितनी ज्यादा जॉब निकलती है और कितनी ज्यादा इसकी डिमांड है इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, कोई भी आप बैचलर डिग्री से हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 6 लाख पर ईयर है इंडिया में, वहीं हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 35+ लाख में जाती है। नंबर 11 टेक्निकल रिक्रूटमेंट। टेक्निकल रिक्रूटमेंट के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। टेक्निकल रिक्रूटमेंट में हम टेक्निकल प्रोफाइल्स को सोर्स करते हैं, स्क्रीन करते हैं और उस पर हायरिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ये क्लाइंट्स कोई भी हो सकता है, कोई भी आईटी, बड़ी आईटी कंपनी हो सकती है। आईटी कंपनी में भी जॉब निकलती है, एमएनसीज में भी जॉब निकलती है, इवन गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी आप एज ए टेक्निकल रिक्रूटर वर्क कर सकते हैं। इस पे 2 वीडियो मैंने फुल डिटेल में बनाया हुआ है और इवन इस पे मैंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी हो, आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं, बस आपके पास थोड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसमें काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। अगर सैलरी की बात करें तो 6 लाख एवरेज सैलरी मिल जाती है इंडिया में, वही अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 15 लाख पर ईयर जाती है इंडिया में। वहीं अगर इंसेंटिव्स की बात करें तो इसपे काफी अच्छे इंसेंटिव्स भी आपको मिल जाते हैं पर मंथ। नंबर 12 ग्राफिक डिजाइनर। नंबर 13 UI/UX डिजाइनर। नंबर 14 SEO स्पेशलिस्ट। नंबर 15 नेटवर्क एडमिन और इंजीनियर। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इन 4 स्किल्स के बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये 4 स्किल्स के कोर्स भी ऐसे हैं जिसमें आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इन 4 प्रोफाइल में से किसी में भी जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये ऐसी 15 जॉब प्रोफाइल्स हैं तो जिसमें आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है और ग्रोथ भी काफी अच्छी है और इस पे बहुत ज्यादा पोजीशंस भी निकल, तो आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं एज ए फ्रेशर अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, और इन सारी जॉब प्रोफाइल्स की ग्रोथ और सैलरी बहुत अच्छी है। तो ये था आज का वीडियो, 15 जॉब प्रोफाइल्स जो नॉन कोडिंग और नॉन प्रोग्रामिंग है विद अच्छी ग्रोथ और अच्छी सैलरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।